दोस्तों हमारी पृथ्वी एक सुरक्षित स्थान की तरह प्रतीत होती है। बहुत सारी ऐसी जगह है जिन्हें स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, वही कुछ ऐसी जगह भी है जिन्हें नरक का द्वार कहा जाता है। दुनिया भर में बहुत से खतरनाक स्थान है जहाँ जाने का मतलब मौत से खेलना है। हालांकि बहुत से साहसी या युवक है दुहान से लोग फिर भी ऐसी जगह जाने से बाज नहीं आते है। आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत खतरनाक है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर एक, स्नेक आइलैंड ब्राजील। इलाका ड्यू क्यूमांडा ग्रांड निक नाम का एक स्नेक आइलैंड है। यह ब्राजील के साओ पाउलो द्वीप के तट पर स्थित है। यहाँ पर सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। यह द्वीप ग्रह का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ घातक गोल्डन लासे हेड वाइपर पाया जाता है। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि यह मानव मांस को पिघला सकता है। इस सांप की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। ब्राजील की नौसेना ने यहाँ लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। नंबर दो, बोस्टन ट्रीड इंग्लैंड। इंग्लैंड में बहने वाली उआब नदी या बोस्टन ट्रेड नदी को बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज तक जो भी इस नदी में गया है वो जिंदा बाहर नहीं लौट सका है और ना ही उसकी कभी लाश मिली है। बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली ये नदी बोल्टन अभय क्षेत्र में महज 7 फीट चौड़ी है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ही ज्यादा है। साथ ही पत्थरीले रास्तों से गुजरने के कारण इसका बहाव भी काफी तेज है। ऐसे में कोई शख्स जैसे ही नदी में जाता है वो तेज धार के कारण बह जाता है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्र होने के वजह से बोल्टन अभय में नदी को तंग रास्तों से गुजर ना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। इसके तेज बहाव के कारण पहाड़ भी काफी नुकीले हो गए। ऐसे में कोई शख्स जैसे ही बोल्टन अभय एरिया में इस नदी के अंदर जाने की कोशिश करता है वह तेज धार की वजह से नुकीले पहाड़ों से टकराकर खाई में समा जाता है। नंबर तीन, कोरिवेरकन मेलस्टॉर्म स्कॉटलैंड। कोरिवेरकन मुख्य भूमि स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से बाहर हरिशील और बूटों में जुरा और स्कॉर्बा के द्वीपों के बीच एक संकीर्ण जल संधि है। यह अपनी मजबूत ज्वारीय धाराओं के और खड़ी तरंगों के लिए प्रसिद्ध है। ज्वार की सही अवस्था में बहने वाला भंवर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंवर है। स्कॉटलैंड में मौजूद है भंवर वाकई में खतरे का प्रतीक है। स्कॉटलैंड के पश्चिमी तटों पर मौजूद इस भंवर को स्ट्रेस ऑफ कोरिवेरकन भी कहा जाता है। इसमें फंसने वाला 650 फीट की गहराई में गुम हो जाता है। नंबर चार, डोर्टुएल तुर्कमेनिस्तान। डोर्टुएल यानी नरक का दरवाजा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेज गांव में स्थित है। 1971 में पूर्वी सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज की करने के लिए आए थे। उन्होंने दरवेज गांव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना। उन्होंने यहाँ सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू की, जिसमें यहाँ एक क्रेटर गड्ढा बन गया। इस क्रेटर से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। मीथेन गैस को बाहर निकालने से रोकने के दो विकल्प थे, या तो इस क्रेटर को बंद कर दिया जाए या फिर इस मीथेन गैस को जला दिया जाए। वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और क्रेटर में आग लगा दी। तब से लेकर आज तक ये क्रेटर जलता रहता है। नंबर पाँच, कावा इजन सल्फर माइंस इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में स्थित आज भी एक जागृत ज्वालामुखी है जहाँ पर गंधक की खादान है। इन खादानों में काम करने वाले लोग इसे डेविस गोल्ड कहते हैं। इसकी वजह से यहाँ लोगों का रोजगार चलता है। जो लोग इन खादानों में काम करते हैं वो जान हथेली पर लेकर बिना किसी सुरक्षा के करीब 1.5 किलोमीटर तक इस 650 फीट गहरी खादान में उतरते हैं। इसे गंधक हासिल करने के लिए लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।